हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे सैंडविच रैप। ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है अभी, और ट्रेंडिंग चीज़ें बनाने और खाने में मज़ा सबको आता है। इसके लिए हम लेंगे एक कप ऑल पर्पज़ फ्लार। अगर आप इसे हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप गेहूं का आटा ले लीजिए। इसमें हम डालेंगे नमक हसबे जायका और 2 टीस्पून तेल। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटा गूंधेंगे। हमें तैयार करना है सेमी सॉफ्ट डो। डो बहुत ज़्यादा हार्ड या बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए। डो को हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे। 10 मिनट बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। हमारा पेड़ा रेडी है। इसे हम कोट करेंगे सूखे आटे से। और अब इसे बेल लेंगे। हमें इसे काफ़ी हद तक पतला बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए रोटी। अभी हमने अच्छे से चपाती बेल ली है, इसे हमें सेकना है। सेकने के लिए हम गरम करेंगे तवा। जब तवा अच्छे से गरम हो जाए तो हम रोटी इसके ऊपर डाल देंगे और विथ इन 20 to 30 सेकेंड हम इसे पलट देंगे। और विथ इन 1 मिनट हम इसे दोबारा से पलट देंगे। और दोनों साइड्स हमें इक्वली इसे सेकना है, पूरी तरह से हमें इसे नहीं सेकना है। और अब ये हमारी रोटी रेडी है। अब हम बनाएंगे आलू की टिक्की। आलू की टिक्की बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है 2 आलू उबले हुए और अच्छी तरह से मैश करे हुए। इसमें हम डालेंगे नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 पिंच हल्दी, 1/2 टीस्पून धनिया का पाउडर और मुट्ठी भर कोथमीर। और इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब हम इसका लेंगे एक पोर्शन और इसे पहले राउंड करेंगे और इसे लाइटली प्रेस करते हुए हम इसे टिक्की का शेप देंगे। टिक्की हमारी बन गई है। इसे हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स से। ब्रेड क्रम्स से कोट करने से इसमें बाइंडिंग अच्छी हो जाती है और ये तलते वक्त टूटती नहीं। टिक्की फ्राई करने के लिए हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो इसमें डाल देंगे हमारी बनाई हुई टिक्कीज और इन्हें फ्राई होने देंगे 2 मिनट तक। 2 मिनट बाद हमें इन्हें फ्लिप करना है और दूसरी साइड से भी फ्राई होने देना है। इस तरह से फ्लिप करते हुए हमें इन्हें दोनों साइड इक्वली पकाना है। 4 से 5 मिनट तक ई साइड पे हम इन्हें फ्राई करेंगे। और अभी हमारी टिक्की रेडी है। टिक्की रेडी है, हमारी चपाती रेडी है। अब हम करेंगे असेंबल। ये हमारी चपाती है, इसे हम सेंटर से काट लेंगे इस तरह से। पूरा ऊपर तक नहीं काटना है। फर्स्ट क्वार्टर पर हम अप्लाई करेंगे केचप। और सेकेंड क्वार्टर पे प्लेस कर देंगे हमारी बनाई हुई पटेटो टिक्की। और थर्ड क्वार्टर में हम रखेंगे सलाद। फिलिंग आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। आप बची हुई आलू की सब्ज़ी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप ऑमलेट यूज़ कर सकते हैं। और फोर्थ क्वार्टर पे हम रखेंगे चीज़। अगर आपके पास चीज़ ना हो तो आप 2 क्वार्टर सलाद के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे रैप करेंगे। और ये हमारा रैप रेडी है। इसे हम कर लेंगे टोस्ट। टोस्ट करने के लिए हम एक पैन में ऐड करेंगे थोड़ा सा बटर। बटर की जगह आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें प्लेस कर देंगे हमारा बना हुआ रैप। और 2 मिनट बाद हम इसे फ्लिप करेंगे और दूसरे साइड से भी टोस्ट करेंगे। अगर आपके पास टोस्टर हो तो आप टोस्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से गोल्डन कलर आना चाहिए दोनों साइड्स पे। और मीडियम फ्लेम पर हमें इन्हें सेकना है वरना चीज़ मेल्ट नहीं होगी। अभी हमारा सैंडविच ऐप एकदम रेडी है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सिंप्लीफाइड रेसिपीज़ के लिए। मेरे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। और जब भी मेरी रेसिपी ट्राई करें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए।